सो गाइस लड़ाई हो चुकी है सामने अभी मेरे जस्ट ये ओ भाई पुलिस वालों ने रोक लिया कट गया चालान। हे गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो, माय नेम इज मुरादाबादी। तो आज है न्यू ईयर और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आज मैं आ चुका हूँ हर्बर पार्क, क्योंकि हर्बर पार्क पे न्यू ईयर वाले दिन काफी ज्यादा भीड़ रहती है। तो 1 जनवरी आज डेट है और मैं हर्बर पार्क में उस समय हर्बर पार्क की जस्ट पार्किंग में मैंने गाड़ी पार्क करी है। गाड़ी पार्क करने के 20 रुपए है हमें। और बाकी चलते हैं अंदर, दिखाते हैं कैसा क्या एक्टिविटी है हर्बर पार्क के अंदर, कितना क्राउड रहता है। और 3 साल से यहाँ पे हर बार हम आ रहे हैं और काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल क्राउड रहता है यहाँ पे। कपल्स की बात है, फैमिली आते हैं, यार दोस्तों में काफी ज्यादा क्रेज रहता है। तो हम भी अपने काफी सारे दोस्तों के साथ आए, एक एक करके वीडियो में एंड तक बने रहे, मिलवाते हैं सबसे आपको। और चैनल में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट जरूर करके आना कि वीडियो कैसी लगी। चलिए कुछ अलग ट्राई करके देखते हैं इस ब्लॉग में क्या होने वाला है, वो आप एंड तक देख लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस ये है हर्बर पार्क का मेन गेट और ये है सामने टिकट घर। और आप लोग भीड़ देख सकते हो, लाइन लगी हुई है टिकट घर के, पूरी ऐसे करके घूम के लाइन लगी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो टिकट जो है मिलने से रहा, आप एक बार क्राउड देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइस मेन गेट से तो एंट्री मिलने से रहा, तो पीछे से एंट्री करते हैं साइड से, ठीक है। तो गाइस वापस से पार्किंग में आ चुके हैं और यहाँ से एक छोटा सा गेट खुल रहा है, तो यहाँ से एंट्री लेंगे। भाई मेन गेट से तो एंट्री हो ही नहीं पाती किसी भी कीमत पे, क्योंकि इतनी भीड़ थी जिसका कोई जवाब नहीं। भाई जी 4 टिकट ले चुके हैं हमने। भाई इस वाले गेट से तो एंट्री हमारी बहुत ही ज्यादा आसानी से हो चुकी है और हमारे साथ हैं रवि सर। तो इस कपल पार्क में एक टीचर का क्या काम? ब्लॉगर आए हैं सर, टीचर तो घर पर रह गए, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। ट्यूशन पढ़ा रहे हैं टीचर? तो रवि सर फर्स्ट टाइम आए हो आप? ना भैया नहीं, न्यू ईयर पर तो फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ, न्यू ईयर फर्स्ट टाइम। इस वाले गेट से तो हमारी एंट्री बहुत ज्यादा जल्दी हो गई, वरना हमें करीब 1-1.5 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता। तो फर्स्ट गेट है ये जिसमें एंट्री हो गई। तो चलिए अभी यहाँ पे घूमते हैं फटाफट से और भीड़ दिखाते हैं, काफी ज्यादा क्राउड है। इस समय हम सबसे लास्ट वाले एरिया में जहाँ पे इस समय ज्यादा क्राउड नहीं है, और उस साइड में जो है सामने काफी ज्यादा क्राउड है, तो देखते हैं। और बाकी झूले वगैरह भी हैं यहाँ पे। क्या कह रहा है भाई? ये भाई सब्सक्राइबर अपना मिल गया है हमें। क्या नाम है भाई तेरा? अर्पित। अर्पित कहाँ रहे हो? मुरादाबाद में? लस्ती मुरादाबाद। यहाँ पे डीजे सेटअप है और पता नहीं किस चीज की भीड़ लगी हुई है। ड्रैगन कोल्ड ड्रिंक है, ड्रैगन इसकी है शायद, देखते हो। तो भाई सामने चल रहा है एक एनर्जी ड्रिंक का प्रमोशन और उसके लिए देख सकते हो कितने ज्यादा लोग यहाँ रुक रुक के देख रहे हैं। और इधर आपको मिलती है खाने की कैंटीन जिसका हर्बर पार्क फूड। तो गाइस चलते हैं अभी मेन भीड़ में, जो यहाँ पे इस साइड जो मेन प्रॉपर हर्बर पार्क का एरिया है वो ये वाला एरिया है, ठीक है ना, जब एंट्री गेट से सामने वाला एरिया। और दो मुझे नाव वाले झूले भी दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, और इधर थोड़े बच्चों के भी आपको झूले मिल जाते हैं और उस साइड भी बच्चों के झूले हैं। बाकी चलते हैं घूमते हैं आगे। सो गाइस लड़ाई हो चुकी है सामने अभी मेरे जस्ट, और मारपीट भी चलती है भाई यहाँ पे काफी ज्यादा। तो देखो पूरी लड़ाई हो रही है, मारपीट। इन चीजों से आप यहाँ पे दूर रहे तो ज्यादा अच्छा रहोगे, ठीक है ना, क्योंकि तो लड़ाई काफी ज्यादा होती है यहाँ पे चेक करने। वीडियो तो गाइस पुलिस आ चुकी है, पकड़ के ले जा चुकी है उन्हें लेके। ओ भाई। तो भाई जैसा कि अभी आपने देखा कि लड़ाई हो चुकी थी और कितनी ज्यादा पब्लिक जो थी लड़ाई के पीछे थी, हालांकि बचा कोई नहीं रहा था, क्योंकि वो जो भी बचा रहा था उनके भी वो हाथ छोड़ रहे थे। तो अभी तो फिलहाल ले गए उन्हें पकड़ के, और बाकी बहुत सारी पब्लिक थी और सब इकट्ठी हो गई थी एकदम, ठीक है। रवि सर तो भीड़ में पता भी नहीं चल रहा है कहाँ। भाई ये है मेन गेट जहाँ से हमें एंट्री नहीं मिल पाई थी, काफी ज्यादा भीड़, अभी भी लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे गोल्डन मैन हमारे खड़े हैं जिनके साथ भैया सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। तो ये देखो ये खड़े हैं गोल्डन मैन हमारे। ये हैं सामने झूले जो कि बच्चों के लिए लगा रखे हैं सामने अभी, और देख सकते हो जगह जगह जो है केक सेलिब्रेशन हो रहा है। जैसे कि ये मेरे सामने कुछ अपने भाई केक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये देखो ये पूरा है भाई कुछ भीड़ का हाल। और देख सकते हो यहाँ पे झूले वाले सेक्शन में कितनी ज्यादा भीड़ है। और इधर रवि सर हमारे थंबनेल निकाल रहे हैं, पूरे में जस्ट आपको भीड़ ही भीड़ मिलेगी। और कोहरा ठंड बहुत हो रही है लिटरली यहाँ पे, और आज तो सुबह से धूप भी नहीं निकली, तो ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई। देखो एकदम शाम जैसे 6-7 बज गए हो, पर अभी हम लोग घूम रहे हैं और कुछ यहाँ घूमने को भी है नहीं। मैं बता रहा हूँ अगर आप ऐसी मतलब यार दोस्तों में चिल करने आ रहे हो तो आप चिल कर सकते हो, बाकी कुछ ऐसा है नहीं यहाँ घूमने को। यार मुझे तो मजा आया नहीं यहाँ पे, सही में मुझे कभी मजा नहीं आया, बस मैं
वीडियो बनाने आ गया बस यहाँ पे। ठीक है, तो भाई अभी हरबर पार्क में घूम रहे थे, तो यहाँ पे भाई मिले हैं। तो भाई का नाम जेटली, भाई भी यूट्यूबर है, जेटली ऑफिशियल ब्लॉग। अच्छा, और भाई मुझे मानपुर में मिले थे एक बार, तभी से भाई से जान पहचान हुई थी। और हरबर पार्क में काफी सारे यूट्यूबर और टिकटॉकर रील्स बनाने वाले काफी सारे रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दूर दूर से आते हैं, ऐसा नहीं है कि यही मुरादाबाद के, पूरा जो क्षेत्र है यूपी का सारे आते हैं भाई। और भाई बहुत अच्छा कंटेंट है भाई का, आप लोगों को दिखाते हैं। और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इनको ज्यादा सपोर्ट करें। भाई भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी घूमते हैं और दिखाते हैं एक्टिविटी क्या क्या होती है। ठीक है, बाकी हम लोग निकलते हैं यहाँ से बाहर, और फिर बाकी कुछ था नहीं जाता कि ओपिनियन, मेरा बेस्ट ओपिनियन नहीं रहेगा यहाँ पे आके। भाई क्या ही करना है यहाँ पे, कुछ तो होता नहीं है। फिलहाल मैं आगे ऐसे घूमने क्योंकि मेरे यार दोस्त आ रहे थे, चलो फिर रवि सर भी बोर हो रहे थे, हम घर पे बैठे बैठे हम रील वगैरह बना रहे थे, तो हमने कहा चलो भाई घूम के आते हैं। बाकी कुछ ऐसा है नहीं इतना ज्यादा, आप अगर कहीं दूर से आ रहे हो तो भाई बताओ यहाँ पे, क्योंकि या तो कुछ एक्टिविटी हो यहाँ पे तो आप आओ, जिसके लिए देखने शो वगैरह हो। बाकी यहाँ कुछ नहीं है, अगर सिर्फ घूमने के पर्पज से आ रहे हो तो आप आ सकते हो, उसके लिए आप बेटर रहोगे यहाँ पे। और कपल्स वगैरह के लिए तो है ही पार्क, ये बेस्ट मुरादाबाद बेस्ट कपल पार्क आप कह सकते हैं इसे, इको हरबर पार्क जो कि अपना है दिल्ली रोड पे। अच्छा खासा बज रहा था, पुलिस वालों ने रोक लिया, पुलिस वालों ने रोक लिया भाई, कट गया चालान, हो गई चीज। बैठ गए भाई, पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा था है। हो गया भाई जनरेटर बंद, ले गए भाई पुलिस वाले, ले गए पकड़ के, ले गए इसे, मोनू डीजे का थंबनेल बना रखा है, ले गए। तो भाई जैसा कि अभी आपने देखा कि हरबर पार्क के गेट के सामने के डीजे वाले जो है डीजे बजा रहे थे, और काफी सारे जो है लड़के थे वो एंजॉय कर रहे थे, डांस वगैरह कर रहे थे, तो उस वजह से जो है पीछे ट्रैफिक क्लियर नहीं हो पा रहा था, जाम जो है बहुत ज्यादा लग रहा था, तो पुलिस वाले आए और उन्हें आगे ले गए बैठ के उसमें। अब जो भी आगे कार्रवाई हो वो मुझे नहीं पता, मैं यहाँ से निकल चुका हूँ क्योंकि मेरा मोटिव कुछ और रुकने का था ही नहीं वहाँ पे, क्यों वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ दिखाने के लिए नहीं आपके लिए जो मैं आपको दिखाना चाहूँ, बस ये था कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत नॉर्मल ठीक था, मतलब आप घूम फिर सकते हो, बाकी ज्यादा मुझे ठीक नहीं लगा, मेरे हिसाब से मेरे लिए ठीक नहीं लगा वहाँ पे, क्योंकि कपल्स वगैरह ज्यादा थे, आप लोग मुरादाबाद से हो तो पता ही होगा कि क्या होता है हरबर पार्क में। तो चलिए आगे बताओ, आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो मेरे को लाइक कर सकते हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार।